अब आपको दिखाते हैं धर्म और प्रकृति से लगाव की एक बेमिसाल तस्वीर। जी हाँ, ये तस्वीर है मुंगेली जिले के लोरमी की, जहाँ एक शख्स ने पथरीली पहाड़ियों को अपनी लगन से बना दिया है हरियाली भरा रास्ता। पहाड़ियों के ऊपर एक सुंदर बगीचा भी बनाया है, जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। हर तरफ हरियाली, सुंदर पौधे और फूल, ऐसा नजारा किसी का भी मन मोह लेता है। हालांकि ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी इन पथरीले रास्तों पर चलना एक मुश्किल सफर था। हर तरफ बंजर सा नजारा दिखाई देता था, लेकिन संजीव श्याम नाम के प्रकृति प्रेमी ने यहाँ की सूरत ही बदल दी। दरअसल ये नजारा है मुंगेली जिले के लोरमी का, जहाँ इन पहाड़ियों पर स्थित है माता का एक मंदिर। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। संजीव श्याम भी माता के भक्त हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं। संजीव ने इन पहाड़ी रास्तों को हरा भरा बनाने की ठानी। करीब 3 सालों तक संजीव श्याम तिवारी ने पत्थरों को तोड़कर उनमें मिट्टी भरी और पौधे लगाने का काम शुरू किया। इस बंजर पहाड़ी जमीन में हरियाली लाने के लिए संजीव ने सुबह शाम बिना हिम्मत हारे काम किया। कुदरत ने भी संजीव का साथ दिया और धीरे धीरे यहाँ ये जगह पेड़ पौधों और तरह तरह के फूलों से गुलजार होने लगी। ऊपर महामाया का मंदिर है, जो आस्था का केंद्र है। विगत 3-4 वर्षों में संजीव श्याम तिवारी जी के द्वारा सवेरे से शाम तक कड़ी मेहनत करके इतना सुंदर गार्डन बनाया है, जिसकी तारीफ जितना भी किया जाए वो बहुत कम है। यहाँ दूर दूर से लोग ये गार्डन को देखने आते हैं, जिससे प्रकृति प्रेमी लोग आते हैं। सोचते हैं तो यहाँ बड़े बड़े चट्टान और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उन पत्थरों को तोड़कर उसमें मिट्टी डालकर संजीव श्याम तिवारी जी भैया के द्वारा जो मेहनत की गई है, आज उसका विशाल उदाहरण प्रकृति का, जो फूलों के बीच में उपवन का जो उदाहरण सामने दिख रहा है। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि अकेले आदमी का इस पहाड़ी को हरा भरा करने का सपना पूरा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन संजीव का हौसला देखकर धीरे धीरे लोग भी साथ देने लगे। किसी ने पौधे दिए, किसी ने गमले, कई लोगों ने इस नेक काम में संजीव का साथ दिया। आखिरकार एक बंजर पहाड़ी एक खूबसूरत बगीचे की तरह बन गई। इस पूरे इलाके में एक गार्डन तक नहीं था, लेकिन आज एक पूरी पहाड़ी गार्डन बन गई है। इतना कुछ करने के बावजूद भी संजीव श्याम रुके थके नहीं है। अब वो पहाड़ी के चारों तरफ पौधे लगाकर इसे और हरा भरा बनाने में लगे हैं। संजीव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो ये सब किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं करते, बल्कि प्रकृति से अपने प्रेम और पर्यावरण बचाने की अपनी सोच की वजह से वो ये नेक काम कर रहे हैं। प्रशांत शर्मा, न्यूज़18, मुंगेली।